Pero la verdad es que su truco para mí es su directo. Turpa kira adam ya kutu yana onek tur çoğla. Vakalatil yahudu leysatil nasara ala şeyin vakalatil nasara leysatil yahudu ala şeyin vahun yatumun kitab kazalika kalallazina la yalamuna misla kavlihim fallahu yahkumu baynahum yawmal kiyamati fi ma kanu fihi yahtalifun. और यहूदी बोले नसरानी कुछ नहीं, ये हक पर नहीं, नसरानी बोले यहूदी कुछ नहीं, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। इसी तरह जहरों ने इनकी सी बात कही तो अल्लाह क़यामत के दिन इनमें फैसला करेगा, इस बात में झगड़ा करेगा। अब क्या था कि जब यहूदी नसरानी थे ना, जब वो नबी साहब सलाम की जब मुखालफत करते थे ना, ठीक है ना, तो तब तो इकट्ठे हो जाते थे, एक कर लेते थे, लेकिन जब फिर अलग अलग होते थे तो फिर एक दूसरे को कहते थे, यहूदी कहते थे साई कहते थे यहूदियों को ये हक पर नहीं हक पर हम है, तो साई यहूदी कहते साई को ये हक पर नहीं हक पर हम है, ठीक है। ये किताब पढ़ते हैं, अल्लाह कह रहे ये किताब पढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों हक पर नहीं है, क्योंकि ये मेरे नबी पर ईमान लेकर आए, पता है इन किताबों में सब लिखा हुआ है, इसके बावजूद किताब पढ़ते हुए मेरे नबी पर ईमान लेकर आ रहे, तो हक पर दोनों ही नहीं है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला करना आता है, दोनों जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि हम एक साथ साथ हो गए, अब दोनों हक पर हो जाते हैं। जब लैला होती है तो फिर कहते हैं अपना किसी अहले हदीस के पास चले जाए, उसको कहें कि ये जो बरेलवी है ये नमाज पढ़ते हैं रोजे रखते हैं, क्या ये सही बात है? ना चलते हैं हक पर, कहेंगे नहीं ये तो मुशरिक है, ये हक पर नहीं है। बरेलवी के पास आ जाएंगे, अहले हदीस कहेंगे गुस्ताख है, पूरा ये हक पर नहीं है। किसी फिरके के पास भी चले जाएंगे, सुन्नी वहाबी जो शिया वो दूसरे फिरकों को यही करेगा, ये हक पर नहीं है, ये हक पर नहीं है, ये हम हक पर। लेकिन किताब ये पढ़ते हैं, किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि फलां पर नहीं, फलां बरेलवी देवबंदी, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन किताब पढ़ने के बावजूद भी ये एक दूसरे को यही कहेंगे कि ये हक पर नहीं। लेकिन जब ये इन्होंने किसी किताब जत्था कठा बनाने के चाहते हैं, मामले मिलता है उसके खिलाफ, इन्होंने जब जत्था कठा बनाया फिर सब एक हो जाएंगे, फिर सब एक का कर लेंगे, कहेंगे बस आप सब हम मिल गए हैं तो ये बंदा हक पर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग होंगे फिर कोई मुशरिक कुदागत कुल कुदागत साहबा सुन्नी वहाबी देवबंदी शिया ये हक पर नहीं है, फिर इतना ये करते हैं, तो ये भी तुम अपनी इतना कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला के मैं फैसला करेगा कि हक पर कौन है, जिसने भी किताब अल्लाह पर उस पर अमल किया वो हक पर। वो मन अल्लाह मिन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु वसअ फी खराबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों को रोके और उनमें नाम खुदा लिए जाने से और उनकी वीरानी में कोशिश करे, उनको ना पहुंचा था कि मस्जिदों में जाए मार डरते हुए। अब देखिए अल्लाह कह रही है कि उससे बढ़कर जालिम कौन है जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों से रोके, जो उसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, और अल्लाह की मस्जिदों से अल्लाह की मस्जिदों में वीराने की कोशिश करे। इसमें सर जो ना मुखालफत जो है ना, मुशरिकीन अरब जो है, जो लोग इस्लाम लाते थे तो मुशरिकीन अरब उनको बैतुल्लाह में इबादत नहीं करने देते थे, रोकते थे अल्लाह के घर उधर इशारा है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं रहेगा तरफ। लेकिन आज दौर में आप देख सुनने का भी दो बंदी शिया आए, कुछ शिया जो हम लोग किसी ऐसे देर सुनने के मामले में चला जाए उसको क्या जाने देंगे, वहां नमाज पढ़ने देंगे, उसको रोक देंगे, अल्लाह का जिक्र करने आ रहा है, नमाज पढ़ने आ रहा है, उससे रोक देंगे, ठीक है, और उसकी बुराने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की मस्जिदों की बुराने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर आपने देखा होगा कि अहले हदीसों ने शिया की मस्जिद उड़ा दी बम के साथ, शिया ने अहले बरेलवी को उड़ा दी, देवबंदी फलां को उड़ा दी, ये जो फिरके सुन्नी वहाबी देवबंदी शिया जी एक दूसरे की मस्जिद बम से उड़ा देते हैं, उधर किसी को अपने 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 फिरके के मुखालिफ में किसी को नमाज तक नहीं पढ़ने देते, जिक्र तक नहीं करने देते। आप कोशिश कर लें कि अहले हदीस बरेलवी चला जाए किसी शिया की मस्जिद में जाकर के मैं बरेलवी हूं, मैं इधर आपके यहां दस्त देना चाहता हूं कुरान का, वो देने देगा आपको, रोक लेगा, अगर जी आप अल्लाह का जिक्र करेंगे कुरान से आप ना वो हक बात बताएंगे, लेकिन वो नहीं बताएगा, वो रोक देगा। जो उलमा सुन होंगे, लेकिन जो उलमा हक होते हैं वो इतना नहीं करते,
कहते ठीक है, ये भी हम भी अलग नाम रहते हैं, आप भी लोग कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो उलमा मासूम होंगे वो आपकी मस्जिद में बम जरूर डालेंगे, आपको बाहर की मस्जिद में एंटर नहीं होने देंगे। वो तबलीगी जमात वाला चला जाए ना अपना फजाना सुनत में जाने देंगे, कोई रेवंड वाला चला जाए फजाना सुनत, फजाना सुनत वाले चले जाए रेवंड में दावत में निकल, ये ऐसा कभी नहीं करने देंगे, ये रोकेंगे अल्लाह के मस्जिद में जिक्र करने से। तो पहली मस्जिदों के पहले दौरों के उम्मत के जो उमदे थी उनका जो उलमा सूद थे और आज के दौर के उलमा सूद एक बराबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी पहले उम्मतों के तरीकों पर चल पड़ोगे, मालिक पब्लिक कदम ब कदम लहम फी दुनिया के दियो वाला हम फी अल फिल आखिरत अजाब अजीम, इनके लिए दुनिया में सफाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। ये जो उलमा सूद है ना दुनिया में तो इनकी सफाई है ही है, आखिरत में बड़ा अजाब, दुनिया में इतना दलील हो रहे हैं وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ। और अगर तुम इन किताबियों के पास हर निशानी लेकर आओ वो तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना तुम इनके किबले की पैरवी करना हो, और वो आपस में भी एक दूसरे की किबले की किताबें नहीं है, और ऐसा सुनने वाले अगर तुम्हें उनकी ख्वाहिशों पर चले बात इसके कि तुझे इलम मिल चुका तो उस वक्त तुम जरूर सतमगार हो गए, आज इनके हाथ से पढ़ने वाले हो गए। अब ये देखें अल्लाह क्या करिए, ये जो किताबी वाले हैं जो जूद सारे के उलमा सूफ हैं इनके पास भी आप हर एक निशानी लेकर चले जाएंगे, हमारे किबले की पैरवी करो, अल्लाह ने आठ तो आगे हमारे किबले की पैरवी करो, लेकिन ये तुम्हारे किबले की पैरवी कभी नहीं करेंगे। देखो ये यजीद हट धरती पर उतरे हुए हैं, ठीक है ना, और ये और तुम भी इनके किबले की पैरवी मां करना, इनकी बात ना मानना, और ये आपस में एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते, यानी कि ये इनका मसला ये है कि ये इन्होंने अपने अंदर इतने उलमा सूफ के फिरके बना रखे हैं जितना इस उम्मत में फिरके हैं, आपस में भी इनका एका नहीं है, एक 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 आपस में भी एक किबला नहीं है, आप जितनी मर्जी दलील को पेश करेंगे ये किबला हक है इसकी बात मानने, अगर आप इनको मनवा भी लेंगे ना तो वो एक ही होगा जो मानेगा आपकी बात, बाकी तो फिर आपको वो रोला ही रहेगा उनका, वो तो कहेंगे ये हम तो इनको इसको नहीं मानते, ठीक है ना, वो एक से क्या मानेगा आपकी, क्योंकि ये जब ये आप भी मुखालफत करते हो कि वो एका कर लेते हैं, ठीक है, आप भी मुखालफत करते हैं जब ये फिर अलहदा होती है तो फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये आप की बड़ी प्यार करते करेंगे, तो भाई इनका आपस में भी एक किबला नहीं है, हर एक ने अपना किबला बना रखा है, तो ये आप देख रहे इधर भी और इधर जो है वो उलमा जो है इधर भी आप बुद्ध मोहम्मदिया के उलमा सुन उन्होंने भी देख लें, हर एक ने अपने कुरान की तफसीर लिखकर अपने मतलब निकाले हुए हैं, ठीक है, तो बुखारी मुस्लिम इशारा लिखते हैं तो वो अपने तरह के मतलब निकालते हैं, हर एक ने अपने मकार रखे हैं, आप इसे कोई दराय दिखाएंगे भी तो कहेंगे जी हम तो शिया हैं, ये तो सुनी किताब भी हैं, हम नहीं इनको मानते, ये शिया को खाएंगे वो कहेंगे ये तो अगर सुनने किताब होंगे हम नहीं इनको मानते, क्योंकि इन्होंने हर अपनी किताबें लिख रखी हैं और हर एक ने अपने दराय जमा कर रखी है, जब कोई हक बात उनको बता दे कि मैं जिन्हें ना उन्हें मिलता जाता फिर दो सारे इकट्ठे होकर उसकी मुखालफत कर जाएंगे। الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस नबी को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक इनमें से एक रोज जानबूझ कर हक छुपाता है। अल्लाह का वादा है जिन पर मेरी दो साल में किताबें दी थी ना तौरात इंजील, ये आपको इतना पहचानता है जैसे कि अपने बच्चे को पहचानता है, आप देखें कोई बच्चा हो उसका वो अपने बच्चे को पहचान सकता,
जानते हैं, लेकिन इन किताबों में ये सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि काफ़ुतान नबी आएंगे, याकूतान नबी आएंगे। हत्ता कि जब ये मुशरिकीन से मार खाते थे तो ये खुद कहते थे कि काफ़ुतान नबी आएंगे, हम उसके उनके ऊपर ईमान लाएंगे, बदला लेंगे फिर तुमसे। लेकिन ये आपको इस तरह पहचानते हैं, इतनी आप ये यादें करते थे पहले, जब आप आएंगे आप ईमान लाएंगे और तरबियां करेंगे। अब आप इनके सामने आपको पहचान रहे हैं लेकिन आप ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं, फिल्म होने के बावजूद जानबूझ के रहा छुपाते हैं, जानबूझ कर इधर ही बुला मासूम देख लें। कोई आप दलील दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले साल बयान की वो हदीस वाली, मैंने उसको बताया, उसको पहले ही पता था लेकिन वो झूठा झूठ बोला उसने, जानबूझ के रहा छुपाया। इस तरह ये करते हैं।